अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी एफ डी एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि TLP जो है 250 और 350 ऑप्टो कपलर जो IGBT गेट ड्राइवर है उसको कैसे टेस्ट करते हैं बाहर निकाल के। तो आज मैं बताऊँगा HCPL 3120 और J312 के बारे में कि इसको आप बाहर निकाल के कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको देखनी पड़ेगी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरी मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे पास एक ऑप्टो कपलर फिज़िकली भी पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये 3120। तो इसको करते हैं चेक। इसको चेक करने के लिए आपको पहले मैं समझा दूं करना आपको क्या है। आपको देनी है ये, इसकी एक नंबर पिन जो है ये खाली है, ये चार नंबर भी खाली है, ये दो नंबर जो पिन है इसकी, दो नंबर पिन इसकी एनोड है यानी इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, और ये कैथोड है तीन नंबर, इस पर नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, ये भी खाली है चार नंबर, और ये पांच नंबर VEE जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ग्राउंड मिलेगी, और ये दोनों आपस में शार्ट हैं, छः नंबर और सात नंबर ये आउटपुट की हैं यानी पॉजिटिव जो है इसकी आउटपुट आएगी, और आठ नंबर VCC जो है इस पर पॉजिटिव सप्लाई आएगी। आपने करना क्या है कि 15 वोल्ट 10 से लेके 30 वोल्ट तक जो है आपने सप्लाई को किसी भी वोल्ट पे सेट कर सकते हैं रेटिंग पे। तो 15 कर लें या 10 कर लें। तो आपने पॉजिटिव जो है 8 नंबर पे दे देनी है और नेगेटिव जो है 5 नंबर पे दे देनी है। तो VCC पे पॉजिटिव दे देनी है और VE पे नेगेटिव दे देनी है फ्रेंड्स आपने। तो ये आउटपुट के लिए आपने ले लेनी है ये सात, छः नंबर और सात नंबर, ठीक है। आपने करना क्या है, 15 से 10 वोल्ट जो है इसको कनेक्ट कर देने हैं, और जब यहाँ से पॉजिटिव लेनी है एनोड के लिए, पहले तो रास्ते में स्विच लगाना है आपने, एक स्विच लगा लेना है, कोई भी स्विच लगा सकते हैं आप, और उसको स्विच के आगे जो आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देनी है 1K की, 1K की रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, और आपने दो नंबर के साथ कनेक्ट कर देनी है रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जो है वो रेजिस्ट दो नंबर के साथ कनेक्ट कर देना है यानी एनोड पे। तो एनोड के साथ आपने कनेक्ट कर देनी है, और कैथोड यहाँ से डायरेक्ट जंपर कर देना आपने कैथोड पे, ठीक है। ये सेम ही है दोनों, ये 3120 और ये दो जो है सेम करना। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि कैथोड पे डायरेक्ट कर देनी जंपर, और उसके बाद आपने सप्लाई को करना है ऑन। जब भी आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो है पॉजिटिव सप्लाई 6 नंबर और 7 नंबर पे आ जाएगी आउटपुट, और ग्राउंड के साथ आपने एक मल्टीमीटर की वायर को लगा देना है, और एक जो है या LED लगा लें या मल्टीमीटर को लगा लें, मल्टीमीटर को लगा लें तो आपके लिए बेस्ट है यानी कि इसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा फिर LED का। हो सकता है कि आपको पता ना हो कि कौन सी LED लगानी है, तो आप बड़ी LED लगा दें गलती से और आपका ऑप्टो कपलर ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए लोड की वजह से, इसलिए आप मल्टीमीटर को यूज़ कर लें।
पॉजिटिव वायर मल्टीमीटर की जो है यहाँ पे लगा देनी है 6 नंबर या 7 नंबर पे, और जो ग्राउंड है वो 5 नंबर पे। और आपकी जब पुश बटन को ऑन करेंगे तो जो आप पीछे से सप्लाई इसको दे रहे हैं यानी VCC पे, तो VCC पे यानी एमिटर पे सप्लाई आ रही है इसकी। तो आपकी सप्लाई जो है जब भी स्विचिंग होगी इसकी ट्रांजिस्टर की जो अंदर लगा हुआ है NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो जब भी आपको सप्लाई यहाँ से मिलेगी ये आपकी आउटपुट दे देगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह आप अपने ऑप्टोकपलर को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको टेस्ट, जैसे मैं कनेक्शन मैंने आपको बताए हैं वैसे कनेक्शन किए हुए हैं एक ऑप्टोकपलर के, आपको सप्लाई दे के दिखा देता हूँ और आउटपुट भी चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं और ये मैंने सप्लाई दे दी है, 11 वोल्ट के करीब सप्लाई है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कर दिए, ये मल्टीमीटर को कर दिया अटैच इसके साथ, करते हैं बटन को प्रेस। ये देखें 11 वोल्ट जो इनपुट पे आ रहे हैं वही आउट आ रहे हैं, छोड़ते हैं तो ख़त्म। इस तरह जो आप अपने HCPL 3120 और J312 जो ऑप्टो कपलर IGBT गेट ड्राइवर है इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली, अल्लाह हाफिज़।